नमस्कार, मैं गरिमा जीएस डेली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैसूर बोंडा की रेसिपी। रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी, और इसे हम बनाने वाले हैं स्वाद से भरपूर अर्चिता शुद्धि मैदा से। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की टेस्टी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लगभग आधा कप दही। इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद दही कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये देखिए, इसमें कुछ इस तरह बुलबुले आ जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग एक कप मैदा। मैंने यहाँ अर्चिता शुद्धि मैदा लिया है। वैसे अर्चिता शुद्धि के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पर इजली अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर परचेज कर सकती हैं। अब इन सभी चीज़ों को मिलाएंगे। अगर आपको दही कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकती हैं। मिलाने के बाद हम इसे इस तरह से हाथ से फेंटेंगे। हमें इसका डो नहीं बनाना है, बल्कि हमें इसे फेंटना है और कुछ इस तरह का बैटर बनाकर तैयार करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता और ग्रेट किया हुआ नारियल, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। अगर आप इसमें प्याज या कुछ सब्जियां ऐड करना चाहती हैं तो जब आप इन्हें तलने जाएं तब उसमें ऐड करें, नहीं तो वो पानी छोड़कर बैटर को गीला कर देंगे। बैटर को ढककर 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद 1 चम्मच गरम तेल इसमें डालेंगे और अब इसे बैटर में अच्छी तरह से मिलाएंगे। तेल गरम है इसलिए पहले इसे चम्मच से मिलाएं, उसके बाद अपने हाथ से इस बैटर को एक बार और अच्छी तरह से फेंट ले। तेल डालने से बैटर ऊपर से अच्छे क्रिस्प बनकर तैयार होते हैं। हाथ को गीला करें और इस तरह से उठाते हुए बैटर को बर्तन से निकालें और इस तरह गर्मा गर्म तेल में इसे हम एक एक करके डालते जाएंगे। आप इस बैटर को थोड़ा थोड़ा ही तेल में डालें, क्योंकि ये फूलकर साइज में डबल हो जाते हैं। ये देखिए कैसे फूले फूले बोंडा बनकर तैयार हो रहे हैं, और अब देखिए ये अच्छी तरह से फूल गए हैं और खुद ही तेल पर ऊपर आ चुके हैं और पलट रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम इन्हें दोनों तरफ से अलट पलट कर गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बोंडा हमारे अच्छी तरह से सिक चुके हैं। इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसी बैटर में प्याज या कुछ सब्जियां भी काटकर उसके भी बोंडा बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो ये देखिए बोंडा हमारा तैयार हो चुका है। इसे आप नारियल की चटनी या मूंगफली की चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।